तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरा और एक न्यू वीडियो के अंदर। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। मुझे पता है इस वीडियो में 100-200 ही व्यूज आएगा। पता नहीं यूट्यूब से मेरे क्या दुश्मनी है, मेरे किसी भी वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड ही नहीं कर रहा। सो प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब आते हैं मेन पॉइंट में। मैं जो भी बोलूंगा प्रूफ के साथ बोलूंगा, सो प्लीज वीडियो को पूरा ना देख के कमेंट में गाली मत देना। तो तुम सभी रियो टेफिफ को जानते होंगे, ये बंदा फेमस है स्क्रिप्टेड कंटेंट की वजह से। स्क्रिप्टेड कंटेंट बनाना ये कोई नई बात नहीं है, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स भी स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाता है। तो देखो, रियो टेफिफ की दोस्त बोला जाए तो MG अल्फा और कलम है, बट अभी इन दोनों ने रियोट को एक्सपोज कर दिया है। और हाँ, रियो टेफिफ को इंप्रेशन बना के बैठा है। जो जो रियो टेफिफ को अपने अब्बा मानते हो, उन लोगों को पता चल जाएगा रियोट कितना बड़ा स्कैमर और नीच बंदा है। रियो टेफिफ का फुल नेम तो नहीं पता, बट MG अल्फा ने सोहेल बोला था। ये बंदा क्या करता था, कुछ क्रिएटर्स है, लाकी गेमिंग, सोनू गेमिंग और भी क्रिएटर्स है जिनका ये वीडियो बनाने में हेल्प करता था। फिर इन लोगों के पास देख देख के वीडियो बनाना सीखा और यूट्यूब पे अपलोड करने लगा। पता नहीं कैसे एकदम रॉकेट के स्पीड से इनका चैनल ग्रो हो गया। ऑलमोस्ट 2 महीना में 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया। थोड़ा फ्रेम क्या मिल गया, उन्हीं दोस्तों को छोड़ दिया जिसके साथ रह के एक टाइम वीडियोस बनाना सीखा था। गद्दारी कर बे तोरी बहन का चोदो, गद्दारी कर बे तोरी बहन का चोदो। तो तुम सभी माँ की कसम देने वाला एक्सपर्ट गेमिंग को जानते होंगे। माँ की कसम दे दे के इसने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर ली थी, बट वो चैनल डिलीट हो चुका है, यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया है। ठीक ऐसा ही रियो टेफिफ कर रहा था, ये भी माँ की कसम देता था। मैं जब प्रूफ लेने गया इनके चैनल में जाके देखा कि वो वाला वीडियो ही डिलीट कर दिया है, बट मुझे कम्युनिटी पोस्ट में ये देखने को मिला, हु लव यू मोस्ट, मॉम, डैड, बॉथ और नो ऑन। और एक देखो, व्हाट्स इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, मॉम, डैड, मनी और गर्लफ्रेंड। इसकी माँ का भोला चेहरा। देखो, प्रूफ हो गया कि कैसे अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट करता था। और एक प्रूफ देता हूँ कि ये स्क्रिप्टेड कंटेंट बनाता है। तो देखो, तुम इसके वीडियो में देखे होंगे, उनके दोस्त जब बात करते हैं तब उनके वॉइस HD और क्लियर आता है, मतलब कोई डिले नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मानो गेम में बात ही नहीं हो रहा। देखो, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। भाई, आप रियो टेफिफ को जानते हो क्या? इधर रियो को जानते हो? कैसा लगता है ब्रो आप लोगों को? हेलो, हाँ, रियो को कैसा लगता है, नुबड़ा है कि प्रो? अच्छा है। अरे तुम्हें नहीं पता वो स्क्रिप्टेड कंटेंट बनाता है? बनाता है? हाँ, स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता है। नहीं पता। हाँ, सच में बनाता है। तो देखा वॉइस कैसा आ रहा है। रियोट क्या करता है, स्क्रिप्ट बना के उनके दोस्तों को भेज देता है और उनके दोस्त रिकॉर्डर में अच्छे से वॉइस रिकॉर्ड करके फिर से रियोट को दे देता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुम सभी रियोट को 1v2, 1v3, 1v4 करते हुए देखे होंगे उसके वीडियो में। बंदा एक एक को मार के सिग्मा बनता है और तुमको लगता है रियोट एफ पीरो है, रियोट के आगे कोई नहीं है। तुम सभी उनके वीडियो में क्लास करते हुए देखे होंगे, रियल में कुछ और है। अगर लोकेश गेमर के साथ 1v1 किया जाए तो लोकेश ही जीतेगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर रियोट एफ के जैसा 10 बंदा आ जाए ना तो तुम इजीली क्लास कर दोगे, क्योंकि इसका गेम प्ले बहुत ज्यादा बदतर है। मैं हवा में नहीं बोल रहा, प्रूफ देखो। अरे बहन के बहन को हक दिया, बोलने से नहीं लगता है। भाई मान गए, रिवॉर्ड भाई का ओपी मारपीट चल रहा है, एक बंदा डाउन कर दिया रिवॉर्ड भाई ने। हम दूर से मैच देख रहे हैं गाइस। कौन सा किंग हो? कुछ नहीं भाई, बॉडी शॉट किंग है। वाह, मारो इसी, मारेगा मारेगा इसी बात, तो मारो मम्मी। तो देख लिया रियोट कैसा खेलता है। और एक मजे की बात सुनो, कलम रियोट को चैलेंज किया था 1v1 खेलने के लिए और रियोट चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और जब कलम रियोट को 3 राउंड कुत्ते की मौत मारता है तब रियोट क्या करता है, कस्टम को ही बैक कर देता है।
फिर और एक बार कस्टम खेलता है। इस बार कलम लगातार 5 राउंड रियोट को कुत्ते की मौत मारता है और वीडियो में आके बोलता है कि तब मैं नहीं खेल रहा था, मेरा फ्रेंड खेल रहा था। और एक बात सुनो, रियोट ने दिखाया कि वो एक टूटा फूटा फोन में खेलता है, ये पूरा इम्पॉसिबल है। एक साइड से डिस्प्ले बाहर आ चुका है, उस मोबाइल से कोई कैसे खेल सकता है? तुम लोगों ही देखो ना, ठीक से टच भी नहीं ले रहा। समझ में आ रहा है? अब तुम लोग बोलोगे इनके पास तो अच्छा डिवाइस नहीं है तो कैसे अच्छा गेम प्ले करेगा। तो तुम लोगों को बता दूं कि ये बंदा आईफोन 14 में गेम खेलता है। उसने खुद कम्युनिटी पोस्ट करके बताया था। ये तो प्रूफ हो गया कि बंदा कितना बड़ा नूबड़ा है। तो देखो, कुछ महीना पहले रियोट ने एक आईडी स्कैम किया था अपने ही फ्रेंड के पास। उसके फ्रेंड का नाम राज था। तो हम सारे एक्सपोजर रियोट को एक्सपोज करने लगे, सभी एक्सपोजर ने वीडियो बनाई। तब रियोट का कोई यूट्यूबर फ्रेंड नहीं था, फ्रेंड था पहले रियोट खुद उन लोगों के साथ गद्दारी करके दोस्ती तोड़ देता है। अब रियोट अकेला था, रियोट क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रियोट के ऊपर बहुत सारे एक्सपोज वीडियोस बन रहा था, बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था। फिर पता नहीं कैसे रियोट एमजी अल्फा और कलाम के साथ दोस्ती किया और उसने उन दोनों को बोला कि मेरे को बेवजह सभी हेट दे रहा है, एक्सपोज वीडियोस बना रहा है, मैंने किसी का आईडी स्कैम नहीं किया, ये सब बोलता है। कुछ भी। फिर अल्फा फाई सभी एक्सपोजर को बोलता है कि रियोट ने किसी का आईडी स्कैम नहीं किया है, ऐसा वीडियोस और मत बनाओ और जितना भी वीडियोस बनाई सभी प्राइवेट कर दो। तो सब ऐसा ही करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं किया था, मेरा वीडियो अभी भी पब्लिक है क्योंकि मुझे पता था ये बंदा रियल में स्कैम किया है, जो कि मेरा बात सच निकला, रियोट एक्चुअल में आईडी स्कैम किया है। इसकी माँ का भोला चेहरा, ये बंदा पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। तो तुम सबको पता चल गया है कि रियोट कितना बड़ा दोगला है। अगर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।